अच्छा कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हो, इनको लाना है नहीं लाना है, इस पर दूसरा व्यक्ति का जवाब देगा। यह विषय तो सीधे मुख्यमंत्री जी का विषय है। इस चर्चा से आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? चर्चा हो रही है सुनकर हमको भी अच्छा लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में, मैं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में गठबंधन बदला बदली वाला खेल पिछले साल सुपर हिट रहा, तो इस बार उस खेल के अगले अध्याय की पटकथा पर काम शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव को अपना चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं नए साल में हिलोरे मारने लगी है। जेडीयू राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भा नहीं रही है। उन्होंने बिहार में कुर्सी जमाने का मूड बनाया हुआ है। जेडीयू में लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की चर्चा चली, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर भी संतोष करना पड़ा। फिर बात चली कि महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। अब कुशवाहा को डेप्यूटी सीएम पद की आस लग गई है। वे कह भी रहे हैं कि राजनीति में भजन करने के लिए नहीं आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी को डेप्यूटी सीएम बनाने का फैसला लेने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार सही समय पर सही निर्णय लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अब तक नीतीश कैबिनेट में शामिल होने की बात को खारिज करते रहे थे, लेकिन अब वो इस मसले को मुख्यमंत्री पर छोड़ रहे हैं। बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा के डेप्यूटी सीएम बनाने की भी खूब चर्चा हो रही है। वर्तमान में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। एनडीए के शासनकाल में मुख्यमंत्री के अलावा दो दो उप मुख्यमंत्री भी बने थे। उसी आधार पर अब चर्चा है कि महागठबंधन की सरकार में भी दो दो डेप्यूटी सीएम होंगे। हालांकि इस मामले पर जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, ना किसी मठ में बैठा हूँ। मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की अगर चर्चा हो रही है तो सुनकर अच्छा लग रहा है। मैं अपनी ओर से उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ना तो आकांक्षी हूँ और ना ही परेशान हूँ। इस विषय पर निर्णय लेना सीएम नीतीश कुमार का काम है। अब देख लीजिए, आप ऐसा कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए, लेकिन हाँ, अब अपनी ओर से हम कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई आकांक्षा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस ऐसे विषयों पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम होता है, निर्णय लेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई बहुत चर्चा की जाए इसकी जरूरत नहीं। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा तेज है। नहीं, इस बात का जवाब भी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होना है और किनको लाना है नहीं लाना है, इस पर दूसरा व्यक्ति का जवाब देगा। यह विषय तो सीधे मुख्यमंत्री जी का विषय है। इस चर्चा से आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? चर्चा हो रही है सुनकर हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम फिर दोहराएंगे कि हम कोई अपनी ओर से बहुत आकांक्षी हैं, परेशान हैं, ऐसा नहीं है। हम जहां हैं पार्टी की सेवा, लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर तरह से ठीक ठाक कर। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। कभी वो साथी दल राजद के विधायकों की बातों से नाराज हो जाते हैं, तो कभी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने के कारण तेजस्वी यादव पर। इन दिनों मीडिया पर भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि ये खबर चलने लगी कि वो भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन असल बात ये लग रही है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया गया, तो नाराजगी की जद में नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।